गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रेनू भारद्वाज फ्रॉम सूरत स्कूल महेंद्रगढ़। आई एम मैथ्स टीचर। टुडे आई टीच यू प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। बेटे, हमारी जो है एडिशन की फोर टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें से हमारी फर्स्ट होती है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्यूटेटिव। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव, जिसको हम ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या रूल होता है बेटा, इसमें टू डिजिट के ग्रुप की एड होती है। इसमें हम जैसे हमारे पास फर्स्ट डिजिट है 452, इसमें हमें प्लस करना है 370। अब इक्वल का साइन का मतलब ये होता है कि जो इधर है वही इधर होना चाहिए। जब ही अगर हमारे पास बैलेंस में दोनों चीज होंगी तभी तो वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ डैश दे रखा है उसने, फिर हमें प्लस 452। अब आप ये देखिए, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड डिजिट है वही आपके राइट हैंड साइड होनी चाहिए, और जो राइट हैंड साइड है वही आपके लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए। इक्वल के लेफ्ट और राइट दोनों जो है डायरेक्शन में सेम डिजिट होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास भी यहाँ पर डैश है, तो हम ये देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 452 तो है ही, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है 370। तो हम इधर 317 करेंगे। अब आप देखिए, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी सेम डिजिट आएगी, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी सेम डिजिट आएगी, तब ये दोनों इक्वल कहलाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमें यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है, बाद में वो कह रहा है प्लस 910 इक्वल 910 प्लस 3601। अब बेटा देखिए, यहाँ पर हमें अब उसने दोनों डिजिट दे दिए 910 एंड 3601, बट यहाँ पर उसने ओनली हमें 910 दी है। अब हम इसको यहाँ पर ले आएंगे 3601 को, तो यहाँ पर अब हमारे दोनों के बैलेंस सेम बन गए। यानी अगर हम 3601 में 900 प्लस करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, और 910 को 3601 में प्लस करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। ये कहलाई जाती है ऑर्डरिंग यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है, कई बार हमारे को दोनों लाइन में हमें डैश दिया जाता है, वहां पे हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हमें ब्लैंक देकर यहाँ पर एक डिजिट दे दी है 6283, और यहाँ पर हमें डैश देकर प्लस करके उसने कहा है 2016। अब देखिए इधर क्या मिस है, इधर हमारी ये वाली डिजिट मिस है, तो इसको हम इस ब्लैंक में लिख देंगे 2016 एंड उधर हम 6283 को ले जाएंगे। बेटा वो थी आपकी ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे, 1000 है, 200 है, यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है 6000। हम 6000 को 6581 को हम इधर गया है। अब हम तीनों को चाहे कैसे भी अरेंज करें हमारे पास आंसर सेम आता है। ये हो गई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टू प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ जीरो और प्रॉपर्टी ऑफ वन। अब सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में हम किसी भी डिजिट में हम क्या प्लस करते हैं जीरो, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, आंसर हमारे पास सेम डिजिट आती है। क्यों? क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, और आपके पास जो भी डिजिट है उसमें अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो हमें वो की वही डिजिट रहती है। जैसे 1645 में हमने जीरो प्लस की तो हमें सेम डिजिट आंसर मिला है 1645। अब वो यहाँ पर ब्लैंक देकर कह रहा है कि हमें इस 113 में क्या प्लस करें जो हमारे पास आंसर 113 आ जाए। तो बेटा हम उसमें क्या प्लस करेंगे, जीरो, तो हमारे पास आंसर आ गया जीरो। तो ये हो गई, जहां पर भी जीरो आता है डिजिट में, जहां भी जीरो ऐड करना आता है वहां पे आप बेझिझक आप लिख दीजिए प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जब ऐड की कोई भी एक एडेंट जीरो होता है तो वहां होती है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ये आपको समझ में आ गया। अब हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ वन, इसको हम एडिंग वन भी कहते हैं, एडिंग सम वन, ठीक है, एडिंग वन भी कहते हैं कि किसी भी डिजिट में हमें वन प्लस करना। अब हम जब भी किसी डिजिट में वन प्लस करते हैं तो हमेशा हमें उसका आफ्टर यानी सक्सेसर नंबर मिलता है 3000। अब एडिंग वन में आपको हमेशा आफ्टर नंबर मिलता है यानी उसका सक्सेसर नंबर मिलता है। जैसे 3174 में हम प्लस वन करेंगे तो 74 प्लस वन 5 और 3175,
अब 3175 3174 का आफ्टर और सक्सेसर नंबर भी होता है। अब आपको यहाँ पर ये दिया गया है डैश प्लस 2365 कि हम 2365 में क्या ऐड करें जो हमें आंसर 2366 मिले। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें आप दो तरीके होते हैं, या तो आप इस आंसर में से इसको माइनस करके कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पता है कि उसका नेक्स्ट नंबर 65 से 66 का नंबर हमें हमेशा 1 ऐड करते होता है। तो जहां पर 1 ऐड होता है वो हो जाती है प्रॉपर्टी ऑफ ऐड, प्रॉपर्टी ऑफ 1। हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है बेटा, इसमें हमें 3 या 4 डिजिट का ग्रुप होता है, इसमें हमारा 3 या 4 डिजिट का ग्रुप होता है। उसमें कॉमेटेटिव में 2 डिजिट का ग्रुप था और इसमें 3 और 4 डिजिट, जैसे हमारे पास फर्स्ट डिजिट है 282 प्लस 124 प्लस 385, ये हम 2 डिजिट को ब्रैकेट में लेकर 1 डिजिट को बाहर कर देते हैं, या हम सीधे भी ले सकते हैं। फिलहाल हमें ये पता होना, जब हमारे पास 2 से ज्यादा डिजिट होती है वहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अब 385, अब देखिए यहाँ पर आपको ब्लैंक दे दिया गया है, यहाँ पर ब्लैंक दिया है, अब उसने डिजिट दे दिया आपको 385 प्लस 282। अब आप इस ब्लैंक में क्या लाएंगे, अब आप देखिए यहाँ पर 282 उसने दे रखा है, 385 आपको दे रखा है, अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 124। ये हो गया, वही सेम है कि जो लेफ्ट है वही वही डिजिट राइट होनी चाहिए और जो राइट है वही डिजिट आपकी लेफ्ट होनी चाहिए, ओके। अब सेकंड आपका देखिए, जैसे यहाँ पर है 9012 प्लस 3168 प्लस 2062, अब इक्वल माने यहाँ पर जो है वही डिजिट उधर होनी चाहिए क्योंकि दोनों का आंसर हमारे को सेम चाहिए। इक्वल में यहाँ पर इसका और इसका दोनों का आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए, और सेम कब आएगा, जब हमारे लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड जो सम है उसकी डिजिट सेम होगी। अब आप देखिए यहाँ पर हमें 2062 दे रखा है और ब्लैंक दे रखा है और 3168 दे रखा है, तो अब हम यहाँ पर क्या लाएंगे, हम यहाँ पर लाएंगे 9012। अब हमारे पास 9012 3168 प्लस 2062, अब हम इनको चाहे ऊपर नीचे कैसे भी अरेंज करें आंसर हमारा सेम आना है, इधर भी और इधर भी। अब एक है ये, जब हमारे को लेफ्ट और राइट दोनों साइड फिल इन द ब्लैंक दे रखे होते हैं, ये अभी अभी मैंने आपको कॉमेटिव प्रॉपर्टी में भी बताया है और इसमें भी बता देती हूँ मैं आपको, जैसे हमें ये फर्स्ट आपका ब्लैंक छोड़ रखा है, अब यहाँ पर हमें दिया गया 4562 प्लस 297 इक्वल 297 प्लस 658 आप 4562। अब देखो बेटा यहाँ पर हमें ये ब्लैंक दिया था, तो यहाँ पर हमें इन दोनों डिजिट में से हम इस डिजिट को मान लेते हैं और वहां अपने राइट हैंड साइड से 4000, ठीक है बेटा। ये आज मैंने आपको समझाई है आपकी एडिशन की 4 प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉमेटेटिव, सेकंड कॉमेटिव ऑफ एसोसिएटिव, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ जीरो एंड लास्ट है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स, हैव ए गुड।